तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम यहाँ क्या कह रही हो? मैं अम्मा के रूम में तुम्हें ढूंढ रहा था। साहिर जी, ये यहाँ क्या कर रही है? बैठी हुई है, देख नहीं रहा तुम्हें? नहीं, मेरा मतलब वगैरह छोड़ो और जल्दी से तैयार हो जाओ। हमने एंगेजमेंट का ड्रेस लेने जाना है। हमारी मंगनी होनी है तो तुम्हारे कल अम्मा आ जाएंगे। कल हमारी मंगनी होगी साहिर जी? हाँ, और तुम मेरी हो जाओगी। नूर बीबी, आपको जारून भाई बुला रहे हैं। यानी साहिर, अब खुलकर मुकाबला करना चाहता है। मैं आपको कितनी बार बताऊं जारून भाई, साहिर भाई तो कुछ भी नहीं बोले थे, नूर बीबी ने खुद मना किया था। नहीं नहीं, साहिर ने ही मना किया होगा। चाहो तो जी। अच्छा, क्या हुआ? क्यों अकेले अकेले मुस्कुरा रहा है? तो कब आया? अभी आया। अम्मी ने भेजा था किनारा मामी और नूर को लेने के लिए। मेरी इजाजत के बगैर अम्मा ने तुम्हें लेने भेज दिया? नहीं नहीं, अम्मी ने कहा था कि पहले तुम्हें इन्फॉर्म कर दूं। वैसे पप्पू को उनसे क्या काम पड़ गया अचानक? वो कल साहिर की मंगनी है ना, तो साहिर तो उन्हें देखना नहीं चाहता, इसीलिए पप्पू ने अपने रास्ते से हटाने के लिए रास्ता निकाल लिया। नहीं यार, किनारा मामी की तबीयत ठीक नहीं है और इधर हंगामे होंगे, तो इसलिए अम्मी ने सोचा कि वो वहाँ पे सुकून से रहेंगी और नूर भी उनकी खिदमत कर लेगी। सुकून तो यहाँ पे भी है। तुम इसे सुकून कहते हो? क्या मतलब? तुमने मामी को देखा नहीं ना? किया था उनके पास, लेकिन लेकिन क्या, उनकी आंखों में इतने शिकवे थे कि दोबारा उन्हें फेस करने की हिम्मत ही नहीं हुई। अच्छा, कैसे शिकवे? यही कि नूर को बचाया क्यों नहीं, उसकी जुबान पे अंगारा क्यों रखा? अगर तुम्हें उनके शिकवे से इतना ही डर था तो अंगारे रखे क्यों? क्योंकि साहिर को नूर की आवाज पसंद थी। जारून, मैं इस बारे में कोई बात नहीं करना चाहता और अम्मा यहां से कहीं भी नहीं जाएंगे। पप्पू को बता देना और नूर भी यहीं रह के उनका ख्याल रखेगी। लेकिन यार उनको लेकिन कुछ भी नहीं। मैंने कह दिया ना कि अम्मा कहीं नहीं जाएंगी। और एक और बात, फुप्पो को कह दो कि उनका ब्रेन वॉश करना बंद कर दें, ठीक है? साजिदा बाजी बेकार में इतनी परेशान हो रही हैं, अब देखे ना, वापस कर दिया ना। साजिदा भी बिल्कुल सुलेमान की तरह है, मरती है अपने भतीजे पर। देखो, मेरे एक फ़ोन पर ऑफिस से बुलाकर बेटे को भेज दिया। और उनका भतीजा, वो तो फुप्पी के मुकाबले में उस गूंगी का सगा है, और तो और उस कंगली पे पूरा भरोसा है। लेकिन अरे, भरोसा और ऐसा कोई नहीं करता, वरना नूर साहिर के कमरे में कैद ना होती। उसकी तो जूती को भी तकलीफ नहीं है,
उसको तो सिर्फ समरा की फिक्र है। ज्योति को तकलीफ होती ना तो इस वक्त नूर साहिर के कमरे में नहीं। क्या मतलब? मतलब ये कि कुबरा जब तक साहिर की शादी ना हो जाए ना, उसकी तवज्जो नूर की तरफ नहीं जाने चाहिए, उसे समरा में उलझा के रख। इस समरा को लेके तो मैं खुद उलझ गई हूँ अम्मा। क्यों, साहिर ने कुछ कहा है क्या? आप ठीक ही कहती थी हाके मम्मा, वो मेरा बेटा ले उड़ेगी। बांटना सीख कुबरा, बांटना सुख में रहेगी। नहीं नहीं अम्मा, मुझे अपने बेटे को बांट के कोई सुख नहीं मिलने वाला। अरे बेटा बांटने को कौन कह रहा है? क्या मतलब? अरे जो गम और दर्द तुझे मियां से मिले है ना, वो अपनी बहू को सौंप दे। तो भाई और भाभी? अरे तो आज ही कौन कर्ज उतारने को कह रहा है? अभी तो वो तेरी भतीजी है ना, जब बहू बन जाए तो सौंप दे। ए अम्मा, नूर साहिर के कमरे में क्यों बंद है? बताया तो है कुबरा, ये सब जारों का किया था। लेकिन एक बात है कुबरा, ये नूर का वहां कैद रहना कोई मुसीबत न ले आए। कैसी मुसीबत? इस तरह नूर का मुसलसल साहिर के सामने रहना, कहीं उसका दिल न पिघल जाए। फिर अब कुछ करना पड़ेगा। कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। कैसी हो? कैसी है? समरा के लिए लिए रख लो, जब एंगेजमेंट होगी तो उसको दे देना। अब तुम सोची होगी कि मैंने तुम्हें क्यों लाके दी, तुम्हारे पास क्यों रखवाई है ना? क्योंकि अगर मैं कहीं और रखूंगा तो चोरी हो जाएगी। इसलिए तुमने चोर को चौकीदारी सौंप दी। आप? मैं। इसे बाहर भेजो। जाओ। ये क्या पागलपन है बेटा? क्या आपको पता है कि मैं ये सब क्यों कह रहा हूं? ये इस मसले का हल नहीं है। तो और क्या करूं मैं? उसे आजाद छोड़ दूं कि वो उसकी गुलाम बन जाए जाके? उसे कैद करने के बजाय पाबंद करो कि वो जारून का कोई काम न करे। कल मंगनी है, घर में 100 काम पड़े, उसे बाहर भेजो, कामों में हाथ बटाए। और मैं सुलेमान को भी कह दूंगी कि वो जारून की उसकी हद याद दिलाए। तुम्हारा डॉक्टर से नेक्स्ट अपॉइंटमेंट कब है? अपॉइंटमेंट? मैं तो सोच रहा हूँ कि दोबारा हॉस्पिटल में दाखिल हो जाऊँ। क्यों, तकलीफ ज्यादा हो गई? तकलीफ की बात नहीं है, मगर अम्मा ने इस हालत में उठ के मेरे लिए खाना बनाया, मुझे अच्छा नहीं लगा। किनारा क्यों? नूर से कहा तो था ना। हाँ, लेकिन मैं अम्मा को बार बार परेशान नहीं करना चाहता। एटलीस्ट हॉस्पिटल में बाहर का खाना खाने से तो बच जाऊंगा। सकीना, नूर बीबी को बुलाओ। रहने दे ताया, वो सिर्फ हुक्म की तामील कर रही है। हुक्म देने के लिए ही बुला रहा हूँ उसे बेटा। घर से जाने के लिए तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो ना तो ड्राइवर को लिख के दे देना। याद रखना कि कोई कमी ना है। और हाँ, तुम्हें
कमरे से बाहर जाने की इजाजत जरूर मिली है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम किसी और के कमरे में चली जाओ। और ये अंगूठी समरा को दे देना, उसे अपनी हर चीज अच्छी तरह से संभालना आती है, खास तौर पे मुझसे वाबस्ता हर चीज। नूर, तुम्हें सुबह जारून को नाश्ता देने का कहा था, नाश्ता दे दिया तुमने? क्यों, किसी ने मना किया था? अगर मना भी किया होगा तो बताएगी थोड़ी? किसी ने मना किया है या नहीं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जब तक किनारे की तबीयत ठीक नहीं हो जाती, जारून के खाने पीने का ख्याल रखना तुम्हारी जिम्मेदारी है नूर, समझे? सुनो, मेरे लिए अच्छी सी गर्मा गर्म चाय लेकर मेरे रूम में। तुमसे बात कर रहा हूं, सुनी रही हो? जाओ। मुझे तो साहिर जी समझ ही नहीं आते, पल पल में मूड बदलते। क्यों, क्या हुआ? क्या हुआ, आपको नहीं पता क्या हुआ? कभी कहते मेरे साथ खाना खा लो, कभी कहते मेरे साथ कपड़े लेने चलो, और दूसरी तरफ उन्होंने नूर को कमरे में रख लिया और मंगनी की अंगूठी भी नूर को दे दी है कि वो मुझे दे। उसने भी मुलाजिम के हाथ मुझे अंगूठी भिजवा दी। ये नहीं कि साहिल जी मुझे खुद दे देते। पहले बीवी को भूलना इतना आसान नहीं होता बेटा। लेकिन आप तो कहते कि वो सिर्फ मेरे हो जाएंगे। मर्द सिर्फ उस बीवी का होता है जिससे उसकी माँ प्यार करती हो। फिर तो कोई मसला ही नहीं है ना जी, क्योंकि आप तो मुझसे बहुत प्यार करती हैं। जाहिर है, तभी तो तुम्हारी मंगनी हो पाई। अब इस नूर को ही देख लो, यहाँ आए एक महीना नहीं हुआ और धूमधाम से सौतन ला रही हूँ इसकी मैं। ये तो है। और तो और, सौतन के आने की तैयारियां भी खुद करनी पड़ रही हैं, वरना किसी की मजालती जो इसका घर उजाड़ सके। और हाकिम अम्मा को देखो, इसको कमरे से निकाल बाहर किया। लेकिन ये जा कहाँ रही है? जो औरत अपने मर्द की नजर से उतर जाती है ना, उस पर दूसरे मर्दों की पूरी नजर पड़ते देर नहीं लगती। अगर आप ले ही आए तो अंदर भी ले जाए। जब जारून ने नूर को चाय लाने का कहा था तो मुलाजमा के हाथ क्यों भेजी? वो किसी का खाता पीता है इस घर में? सुलेमान, समझने की कोशिश करो। नूर अब साहिर की बीवी है, उसकी जिम्मेदारी नहीं जारून के काम करना। क्यों, किनारा सबके काम नहीं करते क्या? सबके काम में और जारून के काम में फर्क है। जारून का क्या हक है कि उस पर हुक्म चलाए? अम्मा, वही हक, वही हक जो हशमत ताया का आप पर था। आप तो हुक्म मानती थी, अब नूर को क्या मसला है? बात नूर की नहीं है, उसकी क्या मजाल जो किसी के खिलाफ जाए या सोचे भी। बात साहिर के गुस्से की, वो कब ये बर्दाश्त करेगा कि जारून? जारून ने पहली बार तो उस खानदान पर एतवार किया है अम्मा, वरना वो किनारा के हाथ के अलावा किसी का बनावा खाने को राजी होता है क्या? तो रखने दो नौकर, मैं खुद उसके लिए किसी भरोसे वाले मुलाजिम का इंतजाम करती हूँ। आपके भरोसे का? अरे अम्मा, सबसे ज्यादा तो उसको आपके ऊपर ही शक है। उसका ख्याल है कि उसको खाने में जहर खिला देंगी आप। हाँ, जिसकी जबान जलाएगी उसके हाथ के खाने तो बड़े शौक से खाता है, वो तो जैसे उसे बड़ा बख्श देगी। बहरहाल अम्मा, आप इसकी फिक्र ना करें। फैजान ने जारून की जिम्मेदारी मुझे सौंपी थी, और इसकी प्रोटेक्शन कैसे करनी है
ये मैं खूब जानता हूँ। सुलेमान, साहिर को बहुत तकलीफ होगी कि उसकी आंखों के सामने कोई उसकी बीवी को बुला कर ले जाए। आपको साहिर की तकलीफ की बड़ी पड़ी है, और वो अजियत जो उसकी वजह से जारून को झेलनी पड़ी उसका क्या? अरे कौन सी अजियत, किस अजियत के बारे में बात कर रहे हो? अम्मा, मैं उस अजियत की बात कर रहा हूँ जो सीने पर गोली खाने की वजह से जारून को झेलना पड़ रही है। तुम्हारा मतलब है कि? खैर, आप साहिर की खुशी की वजह से नूर को जारून की खिदमत ना करने दें, फिर उसके बाद इंतजार करें कि जारून कब उसके खिलाफ कंप्लेन लिखवाता है। नूर, तुम्हें अम्मा ने सब समझा दिया ना? उसने तुम्हारी ही जबान जलाई, फिर तुमसे ही खाना बनाने का कहा, जानती हो क्यों? क्योंकि वो जानता है तुम उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। और मेरी एक बात गौर से सुनो, इस खाने के बहाने उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश की या उसको इतनी भी सी तकलीफ हुई तुम्हारी वजह से, तो मैं तुम्हारा वो हश्र करूंगा कि तुम्हारी रूह कांप उठेगी। समझी? अब जाओ। सुनो, उसे खाना दे दो, मगर उससे पहले हमारा एक मिनट। नहीं साहिर, मैं तुम्हें समझाती हूँ।